अलहमदिल्ला रबील आलमी जो है वो भाई हसन है, काशी भाई जो यहाँ के काउंसलर हैं और फैमिली से बिलोंग करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अलहमदिल्ला मैं भी ठीक ठाक हूँ। आज जुमातुल मुबारक है, जुमे का दिन है, तो मैं बस उठा सा नहाया हूँ, तो अभी नाश्ता वगैरह करना है, तो फिर जुमे के लिए निकलना है, तो फिर इंशाल्लाह बात होती है। जी नाश्ता वगैरह कर लिया मैंने, अपने नमाज का टाइम है, लेट हो रहा हूँ मैं, तो मैंने कहा चले मैं निकलता हूँ। इस रस्ते में तकरुए इलाके तक पहुंचने के कई रास्ते हैं। इस रस्ते में दिल रास्ते दिल से परावान के लिए एक बेहतरीन अमल है। इंसान गरीब शादी करे, पहले इंसान के पास सिर्फ अपना मुकद्दर है, क्योंकि खुदा मेरे हिस्से में डाल के मेरे दिल को परावान कर देता है। ये खुदा बंदे मुताल का वादा है, रकावटें बहुत हैं। हाँ जी, आप किधर जा रहे हैं? हमने भाई हमारे अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है? किधर जा रहे हैं? मैं घर जा रहा हूँ, आए थे। जुमा पढ़ लिया? जी जुमा पढ़ लिया। जॉब पे जाना है? जी। हाँ जी, आप किधर जा रहे हैं? मैं अभी जुमा पढ़ के आया हूँ। अच्छा जी, अब जाना है, क्लासेस स्टार्ट है। सही है, तो उधर क्लास लेने जाना है, फिर उसके बाद। ये आपकी शर्ट पे जो वर्डिंग है, इसने भी जुमा पढ़ लिया है? हाँ जी। जी मैंने पत्तियाँ लेनी थी, कब्रिस्तान जाना था, अब्बू अम्मी की, दादा दादी अम्मा की, पप्पो की, तो मैंने कहा मैं पत्तियाँ ले लूँ, तो पत्तियाँ लेने में रुका था। हुजूर मेरी तो सारी बाहर आप से है, मैं बेकरार था, मेरा करार आप से है, हुजूर मेरी तो सारी बाहर आप से है। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, इन्ना अज़ल्लाहु फ़ी लैलतुल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र, लैलतुल क़द्र खैरुन मिन अल्फ़ शहर, तनज़्ज़ुलुल मलाइकातु वा रूह फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम कुल्लु अम्रिन सलाम वा तमत्तुल फ़ज़ल। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आज आपसे अपने दो कज़न्स की मैं बात करवाता हूँ। एक काशी भाई है, मेरे बड़े भाइयों की तरह ही हैं, और एक जो है वो भाई हसन है, काशी भाई जो यहाँ के काउंसलर हैं, और जो अली भाई हैं वो लाइसेंस का काम करते हैं। आए इनसे डिस्कशन करते हैं। हाँ जी अस्सलाम वालेकुम काशी भाई। जी भाई, कैसे हैं आप? जी अल्लाह के साथ, आप सुनाएं। आप अल्लाह का शुक्र, और ठीक है? ठीक है आपकी? जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आप मेरे ब्लॉग वगैरह देख रहे हैं? यार वो मेरे पास मोबाइल छीन लिया था, आपको पता है कि जब मोबाइल छीन लिया जाए तो लिया नहीं जाता इतनी जल्दी। ऐसी सारी बात है, फिर हम मिडिल क्लास लोग होते हैं,
फौरन लाख सवा लाख का मोबाइल आप किधर से लें मेरे भाई? वो अब पुलिस वालों के पीछे पड़ा हूँ, मुझे मेरा मोबाइल जो छीना गया है वो लेके दें। वो बहरल मेरे जो जिन्होंने डकैती की थी, मैंने रॉबरी की थी, बंदे पकड़े गए हैं, वो तो पकड़े गए हैं, लेकिन पुलिस वालों ने सारा माल उनसे हड़प कर लिया। उन्होंने 9 डकैतियाँ की हैं और 9 का 9 माल लूटा था ना उसने, वो 9 डकैतियों का माल पुलिस वालों ने लूट लिया उस केस से। ये चोरों को मोर पड़ गए थे, चोरों के पीछे पड़ा हूँ कि मेरा मोबाइल दे दें तो बाकी जो मर्जी करें आप। बिल्कुल ऐसे ही है, काशी भाई के साथ वारदात हो गई थी, उनके मोबाइल और पैसे वगैरह से वो मतलब गायब हो गए, लेकिन वो वारदात ये पकड़े गए हैं, लेकिन अभी पुलिस तफ्तीश वगैरह कर रही है, अभी उन्होंने कुछ किया नहीं है। तो भाई काशी ने मोबाइल अब लिया है तो इंशाल्लाह ये स्टार्ट करेंगे। तो और काशी भाई सियासत कैसी चल रही है आपकी? सियासत यार, सियासत असल में जुमे का दिन है, सभी दोस्तों को भाइयों को जुमा मुबारक हो। ईद का दिन होता है जुमा, जनाब जुमा आपकी ईद का दिन है। बाकी जनाब मौला अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं मोमिन का हर वो दिन ईद का जिस दिन वो उसके गुनाह सरजद ना हो। बिल्कुल है। तो वही बात सियासत की, सियासत जो हमारी इधर इस पर हमारे पाकिस्तान की है वो तो आपको पता है कैसी है। ये सारे लफंडर इकट्ठे हुए हुए हैं तो सियासत कर रहे हैं। इन्होंने क्या सियासत, सियासत वो थी जो जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद में बैठ के और सफ पे बैठ के सियासत की थी, वो पॉलिटिक्स थी कि लोगों की खिदमत, हर मखलूक की खिदमत, भला करना किसी का, वो पॉलिटिक्स थी जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब ये जो चोर सियासत कर रहे हैं ये तो मुनाफ़िकत की और वो यजीदियत वाली सियासत कर रहे हैं, जुल्म कर रहे हैं, ज़्यादती कर रहे हैं, लोगों के घरों में इंटर हो रहे हैं बगैर पूछे कि जो लोगों की बेटियों दियों को बहनों को तंग कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं। और ये लोग सियासत नहीं कर रहे, ये यजीदियत का अपना रूप दिखा रहे हैं। जो जो जिस जिस आपके जरफ का मालिक होता है, जिस ब्रीड से वो आता है, वो अपना अपने खून का वो ना शुमार दिखाता है कि मैं क्या चीज़ हूँ। ये जितने भी लोग हैं ये सारे यजीदियत वाले, सियासत वाले नहीं है। सियासत वही है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की है, खिदमत की है। मैं तो मेरा आपको इलम होगा, आप देखते भी हैं, आप मेरे साथ भी होते हैं, आपको इलम है कि मैं कैसी पॉलिटिक्स करता हूँ। यही पॉलिटिक्स है, किसी का भला कर दो। बिल्कुल ऐसे ही हमारे काशी भाई से यहाँ के काउंसलर भी हैं और ये बेलोस जो हैं वो लोगों की खिदमत करते हैं। हर तरीके का कोई भी काम हो, इलेक्ट्रिसिटी का हो, सीवरेज का हो या गैस का हो, कोई भी काम हो ये उनके साथ चलते हैं। तो आएँ आपसे जो है अली भाई की बात से बात करें। हाँ जी अली भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है? ठीक ठाक हो? शुक्र अल्लाह का, ठीक ठाक। आप मैं ठीक जी अल्लाह का शुक्र। और भी ऐसे ठीक है आपकी? शुक्र अल्लाह। काम शाम कैसा जा रहा है? शुक्र अल्लाह ठीक ठाक जी। अली भाई हैं, ये लाइसेंस का काम करते हैं, तो आएँ इसके बारे में डिस्कशन करते हैं। तो अली भाई लाइसेंस की क्या सूरत हाल आजकल? लाइसेंस वो ठीक बन रहा है, वो पहले लर्निंग करवाने पड़ते हैं, फिर उसके 45 दिन बाद उसका प्रोसीजर है, उसका वो थाने में जाना पड़ता है, वहाँ पे टेस्ट देना, वहाँ पे बंदे ने पास होना होता है। तो आजकल सख्ती हुई है लाइसेंस पे या नहीं? हाँ जी सख्ती हुई माशाल्लाह तो है ना, वो कैमरे ऑनलाइन कैमरे लगे हुए हैं, फिर वहाँ पे बंदे ने आना, टेस्ट देना, पहले शादे पूछने, फिर टेस्ट देना, फिर उसके बाद बंदे ने फिर अपना टेस्ट पास करना, फिर पास हो जाओ, पास होता है लाइसेंस। तो आप लोगों को कोई मशवरा देना चाहेंगे लाइसेंस के बारे में, जिन्होंने बच्चों ने लाइसेंस अपने नहीं बनवाए, लड़कों ने, उनको बनवाने चाहिए? हाँ जी उनको बनवाने चाहिए, इसलिए कि रोड एक्सीडेंट भी हो सकता है, फिर वहाँ पे लाइसेंस काम आता है, अगर ना हो तो फिर वो प्रॉब्लम है उसके लिए, वो ज़रूरी है, लाजमी है लाइसेंस हर हर बच्चे के लिए। जी जी बिल्कुल ऐसे ही है। तो आप मेरे ब्लॉग वगैरह देख रहे हैं? हाँ जी माशाल्लाह रोज़ देखता हूँ, रोज़ तक अच्छे आप माशाल्लाह बड़ी मेहनत कर रहे हैं, बड़े अच्छे भी लोग बना रहे हैं, अल्लाह ताला आपको कामयाबी दे। और मैं तो अपने सब दोस्तों से कहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा सब मेरे फजल भाई है, छोटा मेरा भाई है, बड़ी मेहनत कर रहा है, इसके ब्लॉग आपने सब्सक्राइब करने हैं और लाइक करना है और बेल का बटन आपने दबाना है। बिल्कुल ऐसी है। तो ये चीज़ें अली भाई जो लाइसेंस का काम करते हैं, इनसे इंट्रोडक्शन किया है, तो बाकी फिर इंशाल्लाह बात हो। कि आज जुमे का दिन है, बच्चे जुमा पढ़ के आए हैं, तो गली में खेल रहे थे, मैंने कहा इनसे कुछ जो है वो डिस्कशन करते हैं, मेरे कज़न ही हैं सारे, तो ये बच्चा पार्टी खड़ी हुई है, तो वहाँ वन बाई वन बात करते हैं। हाँ जी जिगर बात, क्या हाल है? ठीक हो? क्या कर रहे हो आप? ब्लॉग देखते हैं मेरे, कैसे लगते हैं? सही है, सही है। हाँ जी वजाहत भाई इतना है, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? ठीक है, लगा और तबीयत ठीक है आपकी? ये शुक्र। किधर की तैयारी हो रही है? एकेडमी की। एकेडमी की नमाज वगैरह पढ़ा है आप? चले वेरी गुड। हाँ जी मुश्तबा भाई कैसे हैं? मैं ठीक हूँ अल्लाह का शुक्र। ये बालों का हाल क्या, आपने बहुत ख़राब किया हुआ है? हाँ जी अब कटवाए हैं। तो आप मेरे ब्लॉग वगैरह देख रहे हैं? हाँ जी।
कैसे लग रहे हैं आपको? बहुत अच्छे अच्छे लग रहे हैं। तो शेयर वगैरह कर रहे हैं आप? हाँ जी, अपने दोस्तों वगैरह को कर रहे हैं। और खुद भी देखा करें, वॉच टाइम पूरा किया करें आप? हाँ। तो जुमा पढ़ने गए थे आपके? नहीं नहीं आज नहीं। बेटा नमाज भी पढ़ा करें, इतवार पढ़ते हैं। जुमे की नमाज़ ज़रूरी है, वैसे भी सारी नमाज़ें पढ़नी चाहिए लेकिन जुमे की नमाज़ भी पढ़ के आया करें। तो आप लोग क्या कर रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं? हाँ जी। अब बाल उठाने को मादी उनके घर फेंक दी है, अब दूसरी बाल से किसने फेंक दी? ये कमर बास ने। कमर बास ने? कमर आपने बॉल क्यों फेंक दी है? फिर नहीं मिली अब? लापता हो गया। हाँ जी, अब लापता हो गया, अब नहीं लानी पड़ेगी। सही है। ये थे हमारे कुछ कज़न जो बच्चे खेल रहे थे, तो अब ये पढ़ने जा रहे हैं। मैंने कहा चले इनके साथ एक क्लिप जो है ऐड कर लें। जी मेरे दो स्टूडेंट थे, वो मुझे मिलने आए हैं, तो कह रहे थे सर हमें भी ब्लॉग मिले आप। मैंने कहा चले इंट्रोडक्शन करते हैं, इनके साथ आएँ। ये इतजाज़ भाई, इतजाज़ भाई क्या हाल है? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं। जी अल्लाह का शुक्र। और तबीयत से ठीक है आपकी? अल्लाह का शुक्र। आपको पहले तो शादी की बहुत बहुत मुबारक हो। मुबारक। ये मेरा स्टूडेंट है, लेकिन इसने ना मुझे अपनी शादी पे बिल्कुल नहीं इन्वाइट किया, तो मैं इससे नाराज़ हूँ। अब क्योंकि अभी व्लॉग बना रहा हूँ, इसमें मैं कुछ कह नहीं सकता। ख़त्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। टीचर एक बाप की जगह होता है, अगर बच्चे खुशी में बाप को भूल भी जाते हैं तो कोई बात नहीं, ऐसे ही है। जी जी बिल्कुल। तो आपने क्यों नहीं हमें गाइड किया? आपकी ये जो है ना नाराजगी, इसको ठीक कर देंगे, करेंगे इंशाल्लाह। चलें जी, इतजाज़ भाई कह रहे हैं कि आपकी नाराजगी दूर करते हैं, देखते हैं लेट्स सी कब करते हैं। तो और इतजाज़ भाई कुछ कहना चाहेंगे आप? कुछ भी नहीं कहना। आप मेरे व्लॉग देख रहे हैं? जी बिल्कुल। कैसे लग रहे हैं आपको? अच्छे लग रहे हैं। तो कोई कमी बेशी हो तो आप मतलब बता सकते हैं? बताएंगे जी, जब होगी कोई बताएंगे। तो कोई और बात आप कहना चाहेंगे, कोई मशवरा देना चाहेंगे आप मुझे? फिलहाल तो कोई नहीं है, लेकिन इंशाल्लाह नेक्स्ट कोई करते हैं। चलें, ये थी जी इतजाज़ भाई। अब आपसे करवाते हैं शहराम से मुलाकात। हाँ जी शहराम भाई, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? जी सर अल्लाह का। और तबीयत से ठीक है आपकी? जी सर। कैसी लाइफ चल रही है? मसरूफ चल रही है। मसरूफ चल रही है, क्यों? इस काम से आते हैं आगे सो जाते हैं, अभी टाइम ही नहीं मिलता। काफ़ी मुश्किल से टाइम निकला। तो जॉब शॉप ठीक ही जा रही है? जॉब अल्लाह का शुक्र। उधर चंगन चीज़ में ही होते हैं? चंगन चीज़ ठीक है। चलें अल्लाह पाक ख्याल करेगा। बाकी व्लॉग वगैरह देख रहे हैं मेरे? जी सर। कैसे लग रहे हैं आपको? अच्छे लग रहे हैं सर। अच्छा लग रहा है। तो इनको आप शेयर वगैरह भी किया करें? जी सर, मैं आगे फॉरवर्ड भी कर रहा हूँ। फॉरवर्ड भी कर रहा हूँ जी। ये मेरा शहराम स्टूडेंट है, माशाल्लाह बड़ा अच्छा और ब्रिलियंट स्टूडेंट है, तो इसकी बड़ी खिदमात है मेरे लिए। तो इंशाल्लाह फिर किसी दिन जो है ना इसके साथ पूरी गपशप करेंगे, तो आपकी इसकी जो खिदमात है वो भी आपको इंशाल्लाह बताएंगे। तो नेक्स्ट सब फिर मुलाकात होती है। जी मैं आज आया था इब्राहिम लोगों की तरफ पढ़ाने, तो वहाँ पे कुछ गली के बच्चे हैं, वो मुझे सारे जानते हैं, तो वो कह रहे थे सर हमें भी आपने व्लॉग में लेना है। तो वो शेख फैमिली से बिलोंग करते हैं माशाल्लाह, उनके चार बच्चे हैं, तो आए वन बाई वन उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मोहसिन, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम सर, ठीक हूँ। तबीयत ठीक है आपकी? यस सर। तो आप नात पढ़ने लगे हो जो आप हाथ बांध रही हैं? आप बैठने इजी हो के घरे बाहर? कौन सी क्लास में पढ़ते हो आप? सेवन्थ। सेवन्थ में किस स्कूल में? गवर्नमेंट टेक्निकल स्कूल। वेरी गुड। तो स्टडी कैसी जा रही है? बहुत अच्छी। बहुत अच्छी। तो आप मेरे व्लॉग देखते हैं? यस सर, बहुत अच्छे व्लॉग बनाती हूं। बहुत अच्छे व्लॉग लग रहे हैं। यस सर। तो आप लाइक वगैरह करते हैं? यस सर। शेयर भी कर रहे हैं? कमेंट भी। तो ये मोहसिन है, अब नेक्स्ट उसके साथ बैठा हुआ है जो बच्चा, उससे डिस्कस करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है बेटा? अल्लाह का शुक्र। आपका नाम क्या है? अब्दुल्ला। अब्दुल्ला बेटा, अब्दुल्ला बेटा इजी होके बैठे हैं, कोई मतलब टेंशन वाली बात नहीं है। तो आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? फोर्थ। किस स्कूल में? हाँ जी, दी एथिक्स स्कूल। दी एथिक्स स्कूल, वेरी गुड। तो कैसी जा रही है स्टडी आपकी? बहुत अच्छी। बहुत अच्छी जा रही है। तो आप मेरे व्लॉग्स वगैरह देख रहे हैं? यस सर। कैसे लग रहे हैं आपको? बहुत अच्छे। तो आप कुछ कहना चाहेंगे मेरे चैनल के बारे में? यस सर। क्या कहेंगे? सर आप इतनी अच्छी वीडियो बनाते हैं। तो आप कहेंगे नहीं देखने वालों को कि सर के चैनल को जो है वो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, आपके चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। वेरी गुड। चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं, एक और हमारे पास से बड़े होनहार बच्चे हैं याया साहब, तो उससे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम याया, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम सर जी, क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र, आपका क्या हाल है? ठीक। और तबीयत से ठीक है आपकी? हाँ जी। स्टडी कैसे जा रही है? ठीक। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं आप? सेवन। किस स्कूल में? दी एथिक स्कूल में। ठीक है। तो आप मेरे व्लॉग्स वगैरह देख रहे हैं? हाँ जी। तो कैसे लग रहे हैं आपको? बहुत अच्छे। तो आप कुछ कहना चाहेंगे? हाँ जी, चार के चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। जी कमेंट करें, शेयर करें। ठीक है।
तो ये साथ बड़ा माशाल्लाह क्यूट बच्चा बैठा हुआ है। बेटा आपका क्या हाल है? ठीक। क्या नाम है आपका? साइम। साइम माशाल्लाह बड़ा अच्छा नाम है। एक हमारे पास बड़े साइम साहब हैं, एक छोटे साइम साहब आ गए हैं। तो माशाल्लाह मैंने सुना है कि आप बड़ी अच्छी जो है वो आपकी किरत है, तो आप तलावत बड़ी अच्छी करते हैं, तो आएँ आप तलावत करें, आज देखते हैं आपकी किरत कैसी है माशाल्लाह। الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد जजाक अल्लाह माशाल्लाह। ये अब्दुल्ला भाई थे माशाल्लाह, इनकी बड़ी अच्छी किरत है, तो इन्होंने तलावत किया, तो आए और इससे डिस्कस करते हैं। तो अब्दुल्ला मेरे व्लॉग देख रहे हैं? यस। कैसे लग रहे हैं? बहुत अच्छे। अच्छा आप इतने क्यूट क्यों हैं? अल्लाह की तरफ से। वेरी गुड, अच्छी बात है। तो आप लोग सारे क्यूट हो, सारे अच्छे बच्चे होते हैं। तो आप शेख फैमिली से बिलोंग करते हैं? यस सर। सही है। तो मैंने वैसे जब से मैं इस गली में बनाना शुरू किया तो मैं अक्सर देखता हूँ फ्राइडे वाले दिन जो है ना इनके घरों में मतलब बड़ा रश होता है और लोग जो है वो काफ़ी आए हुए होते हैं। तो मैं अक्सर पूछता हूँ तो कहते हैं कि सर दावत होती है, ऐसे ही है? यस सर। आपकी शेख फैमिली में दावत बड़ी चलती है? यस सर। सही है सही है। चलिए हमारे पास एक और जो है वो स्टूडेंट आए हैं, उनसे भी डिस्कस करते हैं उनका क्या नाम है और क्या हाल चाल है उनका। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है बेटा? ठीक हूँ आपका? मैं भी ठीक हूँ अल्लाह का शुक्र है। तो आपका क्या नाम है? हसीब। हसीब माशाल्लाह बड़ा अच्छा नाम है। तो हसीब के क्या मायने हैं? काफ़ी। ठीक है। तो आप किस क्लास में पढ़ते हैं? सेवन। और किस स्कूल में? टेक्निकल। टेक्निकल स्कूल में, वेरी गुड। तो स्टडी ठीक जा रही है आपकी? जी। ओके, तो आप व्लॉग्स वगैरह देख रहे हैं मेरे? जी। कैसे लग रहे हैं? बहुत प्यारे। बहुत प्यारे के अच्छे अच्छे हैं बहुत। तो आप देखते हैं उसको प्रॉपर? जी। तो लाइक कमेंट वगैरह भी किया करें, शेयर भी किया करें? यस। सही है। चलिए जी, ये हमारे पास कुछ बच्चे जो नई एडिशन हुई थी आज, तो कह रहे थे सर हमें व्लॉग में लें। मैंने कहा चलें आज इनको भी जो है ना वो व्लॉग में एक छोटा सा इसका इनका क्लिप ऐड कर लेते हैं। तो बाकी बच्चे तो आपको पता ही है कि ये इस्माइल है और ये बड़े साइम साहब हैं और ये जो है वो इब्राहिम साहब हैं। तो ये तो क्योंकि डेली व्लॉग में आते रहते हैं, तो ये इब्राहिम लोगों का जो है वो छोटा भाई है यूसुफ साहब। तो मैंने कहा चलें आज इनको व्लॉग में ऐड कर लें, तो बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो ऐड कर दें। सीर भाई जो घर आए हुए हैं, तो इनको पहले भी मैंने एक दो व्लॉग्स में लिया हुआ है, तो माशाल्लाह बड़े अच्छे भाई हैं हमारे, बड़े मजाकी हैं, फनी हैं, तो वहाँ इनसे गपशप करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सीर भाई। जी वालेकुम सलाम। क्या हाल भाई जान, ठीक हो? जी अल्लाह का शुक्र। तुम सुनाओ? सब ठीक है। करम करम अल्लाह। तुम सुनाओ? तबीयत ठीक ठाक? अल्लाह करम करम मेरा सरकारां का मुर्शिदां का सदके उन्होंने खा रहे हैं। मौला पंज दरबार खैर रखे। सारे थले बैठे हैं। मौला पंज दरबार तुहाडे ते करम रखे। लाही आमीन लाही आमीन। और मेरे व्लॉग देख रहे हो? माशाल्लाह फिट जा रहे भाई जान, बहुत जबरदस्त जा रहे। अल्लाह तुहानू कामयाब करे। बहुत मजा आ रहा है देखने का। फनी क्लिप बहुत जबरदस्त। अब भाग लगे रहे, तुम सबसक्राइब कर लो। कि सो गए हो तुम? कितने रह गए हो? दिलो सलाम दिलो प्यार हर चीज खैर करो, अपनी रहमत करो। पूछते है तो क्या हालात तो वाकई आते हैं? हाँ जी नफीर भाई खैर ना है। वैसे यार दिल कर रहा सी आबो हवा लैन दी, ताज़ा हवा बाजी लाए हैं, कुछ खा पी लिए, कुछ समोसे कोई बर्गर कोई शवारमे कोई पिज़्ज़ा पुज़ा। असल मैं चिप्स बड़ी मजेदार लगती है भाई यार, मैं स्पेशल तद आंदा इधर चाह पी ते चिप्स खा ते चिप्स ते बाहर बाजारा ते यार। जी नफीर भाई जो है ना वो बादशाह के साथ आए हैं इधर योग क्लूनी बाजी की तरफ। तो
इनसे डिस्कस कर रहे हैं, हम तो कह रहे हैं कि जी यहाँ की चिप्स वगैरह बड़ी अच्छी है, बहुत सर तुम चिप्स भी खवा देंगे, तुम पिज्जा भी खवा देंगे, तुम चाह भी पिया देंगे, और तुम की खाना? सर असं तो चिप्स खाते, मामू पता नहीं मर गया इतने तो कितने गया है, मामू की चिप्स बड़ी मजेदार, मामू चिप्स वाला, मामू चिप्स वाला क्या बात है, यकीन करो मैं स्पैशल गर्मी के खाना अंदर आ गए, मैं होर कुछ खावा खाना नहीं, मैं खाता चिप्स का मजेदार है। और तुम की कह रहे हो भाई यार, वह कैसा तुम पाएगे दुनिया से, खुश रहो बाद रहो, दुनिया जी गम भरे आ, और कोई गम नहीं है, सिर्फ मौला हुसैन तो गल आवा, और कोई गम रब दे ना भाई यार, है कोई प्यार मुहब्बत आ रही गल, भैन भरा मिलो, बुढ़िया से मिलदिया रहनिया वे, लेकिन भैन भरा नहीं मिलते भाई यार, भैन भरा मिलेंगे ना, मां ने आना ना प्यो ने आना, ना रल जमी जमनी है ना भरा जमना, बुढ़िया तो लभ जानिया वे, भैन भरा भी अच्छे होने चाहिए, अच्छे होने दिल साफ हो, मुखलस हो, हबस ना हो, पैसे की हबस ना हो, हबस हों हबस भैया मसी, अगर मौसम चेंज होया भाई, ये हमारे असन भाई है, हाँ जी असन भाई क्या हाल है, शुक्र अल्लाह का आप सुनाए ठीक ठाक है, हाँ जी अल्लाह का शुक्र, क्या कह रहे हैं आज माशाल्लाह बड़े स्मार्ट लग रहे हैं आप, मैंने कहा कपड़े सही पहन ले, अपनी स्मार्टनेस का जो है रास्ता बताएं सुनने वालों को, डाइट ही है जी, डाइट डिपेंड करती है, डाइट डिपेंड करती है जी, असन भाई हैं, इनका इंट्रोडक्शन मैंने पहले करवाया हुआ है, तो माशाल्लाह इन्होंने अपना वेट किस तरह लूज़ किया है वो सारा जो है ना वो उन्होंने आपको पिछले व्लॉग में मेरे साथ बताया था, तीन चार व्लॉग पहले, तो माशाल्लाह इन्होंने बड़ी मेहनत की है। हाँ जी नसीर भाई तुम कितने लग गए हो? मैं भाई जी लग गया खंबे के नाल, फिलहाल खंबे ना नहीं लगना, हाँ जी ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲੱਗਣਾ ਭਾਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਆ, ਦਿਲ ਬਹਾਰਾ ਮੌਸਮ ਠੰਡਾ, ਅੱਗੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਬਹੁਤ ਆ, ਮਰਨਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੋਇਆ, ਹੁਣ ਨਾ ਕਿਤੇ ਐਵੇਂ ਇਦਾਂ, ਹਾਂਜੀ ਹਸਨ ਭਾਈ ਸ਼ੂਜ਼ ਤਾਂ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਆ ਆਪਕੇ ਯਾਰ, ਗਿਫਟ ਹੈ ਜੀ ਕਦੀਰ ਭਾਈ ਨੇ ਲੈ ਕੇ ਦੀ, ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਹਾਂਜੀ ਨਸੀਰ ਭਾਈ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਸੁਣਾਓ, ਕੋਈ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਯਾਰ, ਤੁਹਾਰਾ ਮੈਂ ਦੇਖ ਲਾ ਲਗਾ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਾਵਤ ਤੇ ਖੁੱਲ ਬੁੱਲ ਕੇ ਪਾਣੀ ਦੇਖ ਲਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਗਲਾਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਲਾਈ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਭਾਈ ਜਾਨ? ਆਹ ਲੱਕੜ ਪਲਾਓ। ਹੈਂ? ਲੱਕੜ ਪਲਾਓ। ਲੱਕੜ ਪਲਾਓ? ਹਾਂਜੀ। ਲੱਕੜ ਪਲਾਓ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਭਾਈ ਜਾਨ? ਚਨੇ, ਸਫੈਦ ਚਨੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੱਕੜ ਪਲਾਓ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਅੱਛਾ, ਉੱਤੋਂ ਦਹੀਂ ਦਾ ਰਹਿਤਾ ਭਾਈ ਜਾਨ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਹ ਕਾਲੀਆਂ ਮਿਰਚਾਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿਆਂ? ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੁਰਥੇ ਬਥੇਰੇ ਆ ਕਿ ਦਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣਾ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੇ ਪਕਾਣੀ ਮਾਰੇ, ਬੰਦੇ ਨੇ ਤਿੰਨ ਕਿਲੋ ਚਾਵਲ ਪਕਾਣੇ ਦੇਖ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੇਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਕਿਲੋ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਦਸ ਕਿਲੋ ਜਾਂ ਬਾਰਾਂ ਕਿਲੋ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਭਾਈ ਜਾਨ ਮਾਰੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਪਤੀਲਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ, ਉਹ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ? ਹਾਂਜੀ ਭਾਈ ਜਾਨ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ 50 ਕਿਲੋ ਦੀ ਦੇਗ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਭਾਈ ਜਾਨ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਦਿਲ ਤੋੜਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਇਨਸਾਨ ਦਾ, ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਦਿਲ ਤੇ ਰੱਖੋ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਕਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਖਾਣ ਆ ਜਾਣੇ ਆ। ਚਲੋ ਭਾਈ ਜਾਨ ਕਹਿ ਦੋ, ਭਾਈ ਜਾਨ ਕਹਿ ਦੋ ਜੀ, ਨਸੀਰ ਭਾਈ ਜੋ ਨਾ ਸੰਡੇ ਕੋ ਦੇਗ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਇਧਰ ਮੇਰੇ ਘਰ ਕੇ ਸਾਥ ਇਨਕੀ ਰਹਿਸ਼ ਹੈ, तो इन्होंने चने के चावलों वाली जो है ना वो मतलब देख बनवानी है, तो अगर आप लोगों ने खाने हो तो टाइम और जो है वो जगह का वो मैं आपको अगर आपको पता करना तो आप डायरेक्ट मेरे से मैसेज कर सकते हैं। तो नसीर भाई कितने बजे का टाइम दे दिए? सिर्फ 5 बजे का, शाम के 5 बजे का जी। नसीर भाई कह रहे हैं शाम 5 बजे सोहेलाबाद गली नंबर 3 में आप लोग पहुँच जाए अगर आप लोगों ने जो है वो चने के चावल खाने हैं, तो नसीर भाई जो है वो सबको इन्विटेशन दे रहे हैं। लक्कर पुलाओ, लक्कर पुलाओ जबरदस्त। नसीर भाई ने आज नया नाम निकाला लक्कर पुलाओ, मैंने कहा लक्कर पुलाओ क्या होता है, तो कह रहे हैं कि जो चने वाइट चने होते हैं ना उनको जब चावलों में बनाया जाता तो वो लक्कर पुलाव कहलाता है। ऐसी बेशक जबरदस्त भाजी लक्कर पुलाव, बड़े दिन हो गए खादे नु, मसलन मरक दे खादे से किसे दे, अस्तगफिरुल्लाह। हां जी, ते आज ही खाने हैं इतवार वाले दिन लक्कर पुलाव, बहुत मजा आंदा भाजी, ओ हो तो दही दा रहता, आहा पागल के रह ना यार, मजा आंदा, दिल कर देख दे विच ही बंदा भर जावे। और भाई जान सब खैरियत है जी? मेहरबानी जी, ये हमारे नसीर भाई थे, इनके साथ हमने जो है वो शुगर मिला थोड़ा सा लगाया, तो इंशाल्लाह परसों जो है संडे को इन्होंने देख बनवानी है, तो आप लोग लाजमी आए, अगर नहीं खाने तो कोई बात नहीं आप, लेकिन कमेंट वगैरह किया करें लाजमी, तो इंशाल्लाह संडे को जो इनके साथ व्लॉग जो है वो पूरा करेंगे। अल्लाह जी, मैं अभी आया था घर फ्री हो गए, तो खाना शाना खाया है, नसीर भाई आया भी, उनसे गपशप किए तो वो चले गए हैं, नादिल ही आज जो है वो सो गए जल्दी, क्योंकि बच्चे थक जाते स्कूल से आके, ट्यूशन जाना, फिर बाकी काम वगैरह करने हैं, अरबी पढ़ने जाना, फिर होमवर्क करना होता उसने, तो आज बस हो गया था, तो मैंने कहा चलें उसके बगैर ही व्लॉग एंड करते हैं, रात भी वो व्लॉग में नहीं था है। तो आज की रूटीन जो है वो बड़ी अच्छी रही है, फ्राइडे ब्लेसिंग होती है, आपको पता है जुमातुल मुबारक का दिन था आज, तो माशाल्लाह काशी भाई से गपशप हुई है, बहरिया सर से गपशप हुई है, आज मेरे जो कज़न है यूके वाले अफसर भाई, कल उनका स्पेशल फ़ोन आया था,
उन्होंने ये भी कहा था कि यार हमारे वो काउंसलर साहब जो हैं काशी भाई, उनको आप व्लॉग में नहीं ले रहे, और बैली इस तरह जो लाइसेंस बनाते हैं उनको नहीं ले रहे। और एक और कज़न का उन्होंने कहा था प्रोफेसर साहब जो मेरे कज़न हैं मोहसिन भाई, तो उनको इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में कल या परसों में लूँगा। बैली से गपशप हुई है, भाई काशिफ से हुई है, तो अभी नसीर भाई किए हैं उनसे गपशप की आपके सामने, ऐसे से थोड़ी सी हल्की फुल्की करवाई है। तो ये है कि आज की रूटीन अच्छी रही है, तो इंशाल्लाह जो है वो मैं व्लॉग एंड कर रहा था, मन का चलें अब कोई हल्की फुल्की जो है वो गपशप कर लें आपके साथ। तो आज का जो मैच था अफ़गानिस्तान का और नीदरलैंड का, तो अफ़गानिस्तान जीत गया, जिससे जो है वो पाकिस्तान को नुकसान हुआ, अफ़गानिस्तान का नंबर जो है वो पाकिस्तान से ऊपर आ गया। अब कल जो है पाकिस्तान का सुबह मैच है 10 बजे ना न्यूज़ीलैंड के साथ, तो आप सब दुआ करें इंशाल्लाह पाकिस्तान जो है वो न्यूज़ीलैंड से जीतेगा। बाकी ये है कि अल्लाह पाक बेहतर करें, आगे जो मैचेस हैं पाकिस्तान को दोनों मैच जीतने पड़ेंगे, इंग्लैंड से भी और न्यूज़ीलैंड से भी। और दूसरा जो है वो कुछ कंडीशंस हैं अभी जो अफ़गानिस्तान के लिए, कि अफ़गानिस्तान भी जो है वो आगे कोई मैच मतलब हारें फिर ही पाकिस्तान सेमीफाइनल के लिए आगे क्वालिफाई कर सकता है, अदरवाइज़ जो है वो बड़ा मुश्किल है। बाकी कोई नहीं, इंशाल्लाह मौला पंचतन पाक जो है वो बेहतर करेंगे। मन का चलें व्लॉग एंड कर लें, तो नादिली जो आज मेरे साथ नहीं होगा व्लॉग एंड में, बाकी ये है कि मुझे इजाज़त दें, कल जो है वो नए व्लॉग के साथ आपसे मुलाकात होगी, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मेरे व्लॉग को पूरा देखा करें, अच्छा लगे या ना लगे। अभी आप लोगों के सपोर्ट की ज़रूरत है, माशाल्लाह जो है वो 800-900 जो है ना वो 8 या 9 सब्सक्राइबर हो गए हैं। इंशाल्लाह उम्मीद है कि 1-2 वीक में जो है ना वो मैंने पूरे 1K करने हैं। और काइंडली शेयर करें मेरे मतलब चैनल को, जितना हो सकता है सब्सक्राइब करवाएँ, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, फिर इंशाल्लाह जो है वो 1K के ऊपर एक बहुत अच्छा सा व्लॉग बनाएंगे और केक भी काटेंगे। तो फिर जो है वो इंशाल्लाह तब तक जो है वो ये कि आप लोगों ने जितना हो सके शेयर किया करें, और वॉच टाइम जो है ना वो मेरा स्पेशली आप पूरा करें, क्योंकि कुछ लोग होते हैं वो मतलब 2-3 मिनट का देखते हैं, फिर कोई मजबूरी हो जाती है, कोई मसरूफियत इस तरह की होती है, काम शाम हो जाता है। तो काइंडली आप अगर काम शाम भी करना तो आप मोबाइल जो है वो मतलब व्लॉग लगा के साइड पर रखें ताकि उसका वॉच टाइम पूरा हो। बस यही आपसे रिक्वेस्ट करनी थी, अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आप लोग करें, और काइंडली जो है वो शेयर लाजमी किया करें, अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं आपके ग्रुप्स हैं या रिलेटिव्स हैं, तो अच्छी चीज़ें शेयर करनी चाहिए। आज जुमातुल मुबारक था, बहुत अच्छा दिन रहा है, तो कल इंशाल्लाह फिर नए व्लॉग के साथ मुलाकात होती है, तब तक मुझे इजाज़त दीजिएगा, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।